हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। नीचे देखो मंदाकिनी नदी है केदारनाथ से जो निकलती है। मज़ा ना मंदाकिनी। अच्छा तुम्हारा नाम भी मंदाकिनी? अरे वाह क्या बोले। देखो एक मंदाकिनी वहाँ पे है और एक मंदाकिनी यहाँ पे, दोनों का मतलब वो हो गया, मेल हो गया, संगम हो गया यहाँ पे। अच्छा तुम्हारा नाम भागीरथी है? अरे बाबरे, तब तो यहाँ पे तो आपको मतलब स्वर्ग मिल गए यहाँ पे तो है। भागीरथी के भी दर्शन हो गए नीचे देवप्रयाग में। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग, और स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में, उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से गाइस। और मेरे गांव का नाम है सेमी गांव, जो पड़ता है उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ एक सुंदर सा प्यारा सा गाँव। और देखिए आज के ब्लॉग की शुरुआत बहुत टाइम के बाद हो रही है, कुछ फैमिली इशू था, फैमिली प्रॉब्लम थी, तो इसके लिए ब्लॉग नहीं बना पाया, आई एम सॉरी गाइस। लेकिन आज से फिर से कंटिन्यू ब्लॉग आएगा, तो गाइस सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। देखिए आज का मौसम काल देखिए कितना सुहाना मौसम है, देखिए। और उत्तराखंड में ना इतनी ज़ोरदार बारिश हो रही है ना, और ज़ोरदार बारिश में ना आपका सफ़र करना बहुत मुश्किल रहता है। तो देखिए ये देखिए नीचे मंदाकिनी डैम, मंदाकिनी नदी, और ये सामने देखो चोपता वैली में देखो कितनी प्यारी, हल्की फुल्की धूप के लिए है ज़्यादा नहीं। और देखो बाबा की नगरी केदार घाटी, और देखो मधुमेश्वर, देखो खूबसूरत नज़ारा, देखो कितना प्यारा नज़ारा है। देखो बेंगलोर से आए हमारे पास कुछ गेस्ट लोग, इनसे पूछते हैं केदार घाटी उनको कैसा लगा, कैसा लगा आपको केदार? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम है केदारनाथ? फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम। एडवेंचरस और आपका? बहुत अच्छा था, अभी और आने के लिए मन हो रहा है। अरे मैम आई है अमेरिका से और इनको पूछ रहे हैं how was Kedarnath? Absolutely epic, beautiful views. I'm very sore though, I can barely walk. But so much amazing. Yeah, amazing. Yeah. Wait, this was it? Yeah. Oh amazing, amazing. What our food? Delicious, everything perfect. Oh, thank you so much. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Okay. हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया, बाय। आंटी लोग हमारे साथ में आए हैं पुणे से, और एक केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं, इनसे पूछते हैं। आंटी तो बहुत क्या बुजुर्ग है शायद, कितनी उम्र है? 77। अच्छा 77 साल की उम्र में केदारनाथ की यात्रा कर रही है, तो कैसा लगा आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा हमारे होटल में। अच्छा अच्छा लगा। अच्छा तो ये सब आपके फैमिली के हैं, आपके बहू ये हैं? बहू नहीं। अच्छा ये ननद जी, ननद जी है। अच्छा ये सब ननद जी। तो आपके क्या बेटे भी यहाँ पे? बेटा? बेटे नहीं। अच्छा बेटे नहीं, सगड़ी फैमिली पूरा डेंजी। अच्छा अच्छा, हाँ बोलो। अच्छा तो ये सब आपके फैमिली मेंबर है? हाँ। अच्छा तो आपको Hello, कैसा नमस्ते लगा? जी। नमस्ते नमस्ते, कैसा लगा आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। पूना अच्छा है कि उत्तराखंड अच्छा है? उत्तराखंड अच्छा है। अच्छा क्योंकि यहाँ पे क्या मौसम मस्त है, मौसम अच्छा है ना, गर्मी नहीं है कुछ नहीं है ना। हाँ। अच्छा मौसम है तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो इससे पहले भी आए थे केदारनाथ? नहीं नहीं पहली बार आए। अच्छा पहली बार है, लेकिन अभी क्या दर्शन हो जाएंगे बाबा, तो क्या मौसम भी साफ हो गया? नहीं तो आजकल यहाँ पे डेली बारिश हो रही है। मौसम अच्छा है कि आपका मतलब भोलेनाथ की कृपा है आप पे? भगवान को पता है ना, ये बहुत पता है, वो आ रहे पुणे से, तो उनके लिए बहुत आशा से आए, दर्शन तो भगवान को देना ही पड़ेगा ना। सही बात है, अपनी मन में श्रद्धा होनी चाहिए। हाँ मन में श्रद्धा होनी चाहिए। नमस्ते नमस्ते, क्या बोलते, कैसा लगा आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 65। अच्छा 65 साल? 65। अच्छा 60। तो कैसा लगा आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा, बैठ के ना यहाँ पे चेयर में आनंद आ रहा है पूरा। अच्छा अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा
तो यहाँ पे देखो ना, नीचे देखो मंदाकिनी नदी है केदारनाथ से जो निकलती। अच्छा तुम्हारा नाम भी मंदाकिनी? अरे वाह क्या बोले, देखो एक मंदाकिनी वहाँ पे है और एक मंदाकिनी यहाँ पे, दोनों का मतलब वो हो गया, मेल हो गया, संगम हो गया यहाँ पे। अच्छा तुम्हारा नाम भागीरथी है? अरे बाबरे, तब तो यहाँ पे तो आपको मतलब स्वर्ग मिल गए यहाँ पे तो है, भागीरथी के भी दर्शन हो गए नीचे प्रयाग में। और यहाँ पे देखो मंदाकिनी, एक मंदाकिनी है एक मंदाकिनी। आंटी कैसा लगा? नमस्ते। अच्छा, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। तो आपका नाम क्या है? शैला। अच्छा शैला, तो शैला हमारी यहाँ की विधायक भी है, शैला रानी ना विधायक भी है। अच्छा तो मतलब बहुत अच्छा लगा फिर ये फैमिली को देख के, एक का नाम भागीरथी, एक का नाम मंदाकिनी, ये सीमा, मिलता जुलता है सब नाम, मिलते जुलते फेसबुक पे डालो, इसलिए सब मिलजुल के आए। तो ऐसा तो मतलब ये ना जो अपने फैमिली के साथ में दर्शन करने की खुशी होती है ना, वो अलग ही होती है। अपनी फैमिली के साथ जब भी आते ना कोई भी, अपनी फैमिली के साथ माना चाहिए, क्यों तो अच्छा लगता है फिर। ठीक है, हर हर महादेव, जय श्री केदार। ठीक है आंटी जी, नमस्ते। अंकल जी नमस्ते। कैसे हो आप? बहुत अच्छे। तो कैसे लगा आपको यहाँ पे? बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा। अंकल जी आपका नाम? शिवाजी राव। अच्छा शिवाजी राव, और यहाँ पे देखो मंदाकिनी, मतलब शिव और मंदाकिनी है आंटी। लेकिन मजा आ गया आपका नाम भी सुन के और आपको भी देख के, मजा आ गया यहाँ पे है, मंदाकिनी और शिव है, भोले शंकर के अवतार, और यहाँ पे जटक मंदाकिनी, मंदाकिनी है वही वही, मतलब उनकी क्या नहीं, जटा में मंदाकिनी है। कैसा लगा आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा, अच्छा लगा। आपकी उम्र क्या है? 68। अच्छा तो ये आपकी पहली बार है केदारनाथ? क्या था पहली बार? अच्छा ये पहली बार हमारे छोटे भैया, अच्छा इसके कारण सब आ गए यहाँ पे, आ गए अपने छोटे भाई के वजह से आप यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो अच्छी बात है क्योंकि भाइयों का भी प्यार होना चाहिए, क्यों तभी जाके ये दुनिया चलती है, अपना व्यवहार ही है सब कुछ है, क्यों प्यार, आदमी क्या आदमी कमाता रहता है वो तो कभी पूरा नहीं होता, नहीं होता। लेकिन व्यवहार आपका तभी जाके सब कुछ है, क्योंकि ये दुनिया में कुछ नहीं और क्या है। हम तीन भाई, हाँ एक दो नंबर का, अच्छा अरुण, अरुण और तीन नंबर का भास्कर। अच्छा तो ठीक है अंकल जी, आपकी यात्रा मंगलमय हो और बाबा बाबा आप पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे। ठीक है, हर हर महादेव, जय श्री केदार। चलो ठीक है आंटी बैठो, नहीं तो आप क्या ये केदारनाथ से आओगे ना, हमारे यहीं क्या रुक जाओ, यही रुक जाओ, बेटियों को लेके आएंगे केदारनाथ। अच्छा लगा आपको? ठीक है ठीक है। करमपुर नहीं आया।